हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस बाय रटी में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम जनरल एग्रीकल्चर में देखते हैं फलों का वर्गीकरण, फ्रूट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये भी एक जनरल एग्रीकल्चर का टॉपिक है। तो देखिए, फलों को कई आधार पर वर्गीकरण किया गया है, बीज के आधार पर, पकाओ के आधार पर, जलवायु के आधार पर, उनके फल प्रकार के आधार पर, खाने के आधार पर, ऐसे फलों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आता है फलों के वर्गीकरण में बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो बीज पत्र के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एक बीज पत्री बीज, ठीक है, एक आता है द्विबीज पत्री फल, सॉरी फल है बीज नहीं, एक बीज पत्री फल और द्विबीज पत्री फल। ठीक है, देखिए, एक बीज पत्री फल होते हैं, होते हैं एक बीज पत्री फल वो होते हैं जिनमें के बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, जिनके बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है वो एक बीज पत्री फल होते हैं, जिनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है वो एक बीज पत्री फल होते हैं, और जिनकी जड़ें मूसला मूल हों या रेशेदार मूल हों वो भी एक बीज पत्री बीज कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बीज पत्र कौन हुए? जिनके बीज में एक बीज पत्र हो, पत्ती समांतर शिराविन्यास हो, जड़ मूसला मूल हो या रेशेदार हो, वो फल कहलाते हैं एक बीज पत्री फल। अब देखिए, एक बीज पत्री फल कौन कौन से होते हैं? खजूर, केला, अनानास, सुपारी, नारियल, ऑयल पाम, ये सभी फल एक बीज पत्री हैं। ठीक है, ये एक बीज पत्री फल है। अब देखिए, इन्हें याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, खाके सुपारी अन्न आया, मतलब अन्न सुपारी खाके आ गया। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। देखिए, खा से क्या बनेगा? खजूर। कैसे क्या बनेगा? केला। सुपारी, सुपारी हो जाएगी। अन्न, अनानास, जो लास्ट में ना है उससे बनेगा नारियल, और ओ से बनेगा ऑयल पाम। ठीक है, खाके सुपारी अन्ना आया, खजूर, केला, अनानास, सुपारी, नारियल, ऑयल पाम, ये हैं एक बीज पत्री फल। अब देखते हैं अपन द्विबीज पत्री फल पर चलते हैं। अब देखिए, द्विबीज पत्री फल, ठीक है, द्विबीज पत्री फल कौन से होते हैं? वह फल जिनके बीज में दो बीज पत्र पाए जाए, जिनकी पत्तियां जाली का वक्त श्राविन्यास रखती हो, और जिनकी जड़ें हैं वो जकड़ा मूल या जकड़ा जड़ों, वो फल द्विबीजपत्री फल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, द्विबीजपत्री फल में कौन कौन से आएंगे? संतरा है, नींबू है, आम है, पपीता है, सेब है, अंगूर है, आदि, ये सारे फल द्विबीजपत्री फल कहलाते हैं। अब देखिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अब आते हैं अपन फल के पकाव के आधार पर फल कितने प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए, अब अपन चलते हैं सेकंड टाइप पर, फलों के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में। सेकंड आता है पकाओ के आधार पर, फल पकाओ पकने के आधार पर फलों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आते हैं क्लाइमेट्रिक फल, एक आते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। उस दिन अपन ने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की थी, उसमें भी अपन ने देखा था। ठीक है, तो अब देखिए, जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फल वो क्या होते हैं। देखिए, क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं, वो फल जिन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद भी पकाया जा सके। ठीक है, वो फल क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे केला को पेड़ में नहीं पकाया जाता है, उसे तोड़ के बाद में पकाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जाता है वो क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फल होते हैं उनकी श्वसन दर अधिक होती है। यदि जिस फल की श्वसन दर अधिक है वही तोड़ाई के बाद पकाया जा सकता है, अन्यथा उस फल को नहीं पकाया जाता है, तो ये भी क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। और जो इथाइलिन गैस का उत्पादन करते हैं वो भी क्लाइमेट्रिक फल कहलाता है, क्योंकि इथाइलिन गैस यदि स्त्रावित ज्यादा होगी तो फल जल्दी पकेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं? वे फल जिन्हें तोड़ाई के बाद पकाया जा सके, जिनकी श्वसन दर अधिक हो, या फिर जिनका इथाइलिन उत्पादन करते हो, वो फल क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए, कौन कौन से फल हैं जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है? क्लाइमेट्रिक फल आते हैं, देख, केला है, पपीता है, चीकू है, खजूर है, सेब है, आड़ू है, नाशपाती है और लीची है। जो ये फल हैं
इन सबको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। ठीक है, केला, पपीता, चीकू, खजूर, सेब, आड़ू, नाशपाती और लीची, इन सारे फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। अब देखिए अपन ये जो क्लाइमेटिक फल है इन्हें याद करने की सौ ट्रिक्स है, उसे देखते हैं। ठीक है, इसके याद करने की ट्रिक है, खाके सेब चीकू आप नाच ली, ठीक है, इसकी याद करने की ट्रिक है, खाके सेब चीकू आप नाच ली। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या बनेगा, खजूर कैसे, केला, सेब, चीकू, आड़ू, ऐसे, पैसे, पपीता, ना से नाशपाती और ली से लीची। ठीक है, तो ये हो गए क्लाइमेट्रिक फल, और इन क्लाइमेट्रिक फल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है, खाके सेब चीकू आप नाच ली। ठीक है, अब अपन चलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल पर। देखिए अब अपन चलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल पर। ठीक है, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल वे होते हैं वे फल जिन्हें पेड़ पर पकाया जाता है, मतलब तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, वो सिर्फ पेड़ पर ही पक सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल, उन्हें पेड़ पर ही पकाया जाता है, यदि उन्हें तोड़ लिया जाए तो वो फल पकेंगे नहीं। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं जिनमें श्वसन दर कम होती है, जिसे वो पक नहीं पाते हैं, इथाइलिन का स्त्राव नहीं हो पाता है तोड़ने के बाद, इसलिए भी वह पक नहीं पाते, फिर वो कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या है, वे फल जिन्हें पेड़ पर ही पकाया जाता है, तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, श्वसन दर कम होती है उनकी और इथाइलिन का उत्पादन नहीं करते हैं। अब देखिए कि नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है बेर, अनार, अंगूर, नींबू, आंवला और स्ट्रॉबेरी, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल हैं। अब देखिए इन नॉन क्लाइमेट्रिक फल को याद करने की ट्रिक क्या है, बिना अंगूठा आया स्ट्रा अंगूर, स्ट्रा अनार। ठीक है, बिना अंगूठा आया स्ट्रा अनार। ठीक है, देखिए वैसे क्या बनेगा, बेर, ना से क्या बनेगा, नैसे नींबू, अंगूर से क्या बनेगा, अंगूर, आया में आ से क्या बनेगा, आंवला, स्ट्रा से स्ट्रॉबेरी, अनार, अनार। ठीक है, तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, बिना अंगूठा आया स्ट्रा अनार। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आता है जलवायु की, ओ जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अब देखेंगे अपन जलवायु के आधार पर फल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए अब अपन चलते हैं फलों के वर्गीकरण में, फलों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। देखिए फलों को जलवायु के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, उष्ण फल, शीतोष्ण फल और उपोष्ण फल। तो सबसे पहले देखते हैं अपन उष्ण फल। देखिए उष्ण फल है, उष्ण फल उस क्षेत्र में होते हैं या उस जगह पे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 21 से 27 सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर 21 से 27 सेंटीग्रेड रहता है वहाँ उष्ण फल बोले जाते हैं उन्हें, जिस जहाँ जहाँ पे फल 21 से 27 सेंटीग्रेड में उगाए जाते हैं वे उष्ण फल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उष्ण फल, और उष्ण फल लगभग मध्य इंडिया में उगाए जाते हैं जहाँ पर सर्दी और गर्मी लगभग दोनों सेम सी रहती हैं, गर्मियाँ भी खूब पड़ती हैं और सर्दियाँ भी खूब पड़ती हैं। ठीक है, तो उष्ण फल वो होते हैं जिन्हें 21 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगाया जाता है और जहाँ पर सर्दी भी गर्मी दोनों खूब बराबर पड़ती हैं। देखिए उष्ण जलवायु में कौन कौन से फल आते हैं, उष्ण जलवायु में फल आते हैं आम, केला, पपीता, अनानास, नारियल, काजू और अमरूद। ठीक, कौन कौन से हैं, आम, केला, पपीता, अनानास, नारियल, काजू और अमरूद। अब देखिए इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अन्ना आपकी
नारी को अमरूद लाया। तो ऐसे क्या करने ट्रिक क्या है शॉर्ट ट्रिक, अन्ना अपनी नारी को अमरूद लाया। देखिए अन्ना अनार हो गया, आ से आम, पैसे पपीता, की या कैसे केला, नारी नारियल और अमरूद। ठीक है, तो उष्ण फलों का शॉर्ट याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अन्ना आपकी नारी को अमरूद लाए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन शीतोष्ण फल। अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर टाइप पर, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। में फर्स्ट पढ़ा था अपन ने उष्ण फल, उष्ण फल 21°C पर होना चाहिए, और अपन ने पढ़ लिया आम पपीता वगैरह उसमें फल आते हैं। अब देखिए नंबर सेकंड पे आते हैं शीतोष्ण फल। ठीक है, शीतोष्ण फल वह फल जो 10-14 टेम्परेचर पर उगाए जाते हैं। ये ऊपरी भारत के ऊपरी हिस्से में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उन क्षेत्रों में जो फल उगाए जाते हैं वो शीतोष्ण फल होते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण फल वह फल जिन्हें 10-14 उगाया जाता है और वो ऊपरी भारत में होते हैं जहाँ पर सर्दी थोड़ी ज्यादा होती है। तो वहां पर कौन कौन से फल शीतोष्ण फल में आते हैं, बादाम सेब स्ट्रॉबेरी BSS, बादाम सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हो गए अपने शीतोष्ण फल। ठीक है, अब अपन चलते हैं नंबर थर्ड पे आते हैं उपोष्ण फल। उपोष्ण फल वह फल जिन्हें 40 से अधिक सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उगाया जाता है वो उपोष्ण फल कहलाता है। ये भारत के निचले हिस्सों में आते हैं। ठीक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, वहां पर उगाए जाते हैं, मुंबई है। ठीक है, वो उपोष्ण फल कहलाते हैं। अब देखिए उपोष्ण फल में कौन कौन से आते हैं, अनार है, अंगूर है, खजूर है, नींबू है, बेर है, फालसा है, बेलपत्र और आंवला। ठीक है, ये सारे फल आते हैं उपोष्ण फल में। अब देखिए इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक, बिना अंगूठा अनार में खपा बैल, अनार में नहीं खप सकता है बैल, बैल में खप सकता है अनार। ठीक है, देखिए अपन को याद करना है। ठीक है, देखिए तो उपोष्ण फलों का याद करने की ट्रिक है कि बिना अंगूठा अनार में खफा बैल, वैसे क्या बनेगा बेर, नैसे क्या बनेगा यहाँ पर नींबू, अंगूठा में अंगूर से क्या बनेगा अंगूर, अनार कैसे क्या बनेगा खजूर, फैसे क्या बनेगा फालसा और बेल। ठीक है, और आ से क्या बन जाएगा आंवला। ठीक है, बिना अंगूठा अनार में खफा बैल। ठीक है, तो ये हुए अपने जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अब देखते हैं अपन फल प्रकार के आधार पर, मतलब फल कौन कौन से टाइप के, उनके आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से फल हैं। अब देखिए अपन नेक्स्ट प्रकार पे आते हैं फलों के वर्गीकरण में, फल प्रकार के आधार पर, फल कौन कौन से प्रकार से हैं उनके आधार पर अपन फल का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनके आधार पर फलों के कौन कौन से वर्गीकरण किए थे। सबसे पहले आता है इनमें बेरिया सरस। बेरिया सरस क्या होता है, बेरिया सरस वह होता है वो फल जो गुच्छों में आते हैं उन्हें बेरिया सरस कहा जाता है। ठीक है, जैसे अंगूर गुच्छों में आते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, बेरिया सरस बोला जाता है। ठीक है, तो पता लगे बेरिया सरस क्या होता है, बेरिया सरस वह फल होते हैं जिन्हें गुच्छे में आते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अंगूर गुच्छों में आता है, केला गुच्छों में आती है, पपीता गुच्छों में आता है, अमरूद भी एक साथ कई होते हैं गुच्छों में आते हैं, और खजूर भी गुच्छों में आते हैं, तो ये हुआ सरस या बेरी। उसके बाद अगला प्रकार आता है ड्रुपिया अस्टिल वह फल जिनमें कठोर गुठली पाई जाती है। ठीक है, टाइट गुठली, जैसे अपन बेर को खाने के बाद उसमें गुठली निकलती है काफी टाइट। ठीक है, तो वो फल
रुपया अष्टक कहलाते हैं जिनमें गुठली पाई जाती है। तो वो कौन कौन से? आम, आम में गुठली होती है, बेर में होती है, जामुन में होती है, नारियल में होती है, बादाम में गुठली नहीं होती है, बट जो बादाम है वो ड्रुप या अष्टक प्रकार के फलों में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बादाम ग्रुप ड्रुप या अष्टक प्रकार के फलों में पाया जाता है जबकि बादाम में गुठली नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रकार है कैप्सूल। ठीक है, जो फल कैप्सूल के आकार के से होते हैं वो कैप्सूल प्रकार के फल कहलाते हैं। जैसे देखिए आंवला कैप्सूल का टाइप से होता है, भिंडी और रतनजोत, ये तीनों कैप्सूल प्रकार के फल कौन कौन से? आंवला, भिंडी और रतनजोत। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार आता है पीपो। ठीक है, पीपो या पेपो, ये पीपो या पेपो प्रकार के फल हैं, वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में आते हैं, जैसे खीरा है, कद्दू है, ककड़ी है, ये सारे पेपो या पीपो प्रकार के फलों में आते हैं। अब हम और देखते हैं, अभी इनमें कई प्रकार हैं। देखिए फल फलों के प्रकार के आधार पर फलों में कुछ और प्रकार है, जैसे सीजोकार्प। ठीक है, सीजोकार्प प्रकार का फल कौन सा है? सीजोकार्प गाजर है। ठीक है, साइकोन्स, साइकोन्स प्रकार का फल कौन सा है? अंजीर है। सोरोसिस, सोरोसिस प्रकार का फल कौन सा है? शहतूत और अनानास है। एक है बालुस्टा या एरिल, ऐसे प्रकार के फल कौन से? अनार है। एस्पेरेडियम नींबू वर्गीय है। पॉम सेब को बोला जाता है और एम्फीसर का बेलपत्र है। ठीक है, ये हुए फलों के प्रकार। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण आता है फलों का प्रकार क्या है? भाग, मतलब फलों को खाने के आधार पर, खाने के भाग के आधार पर, कौन सा भाग फलों का खाने योग्य है उसके आधार पर फलों का वर्गीकरण। देखिए अपना नेक्स्ट स्टेप है खाने योग्य भाग के आधार पर। ठीक है, तो खाने योग्य भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण देखिए, सबसे पहला आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब होता है बाह्य फल भित्ति, वह फल जिनकी बाह्य फल भित्ति खाई जाती है। ठीक है, तो बेर, बेर की बाह्य फल भित्ति खाई जाती है, जामुन की बाह्य फल भित्ति खाई जाती है और खजूर की भी बाह्य फल भित्ति खाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोकार्प। मीजोकार्प, मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति। ठीक है, मध्य फल भित्ति कौन कौन से फलों खाई जाती है? आम की, केला की, पपीता की, तो ये सारे कौन से टाइप के हो गए? मीजोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प, एंडोकार्प मतलब आंतरिक फल भित्ति, तो आंतरिक फल भित्ति किस खाई जाती है? नारियल। तो नारियल किस टाइप का फल हुआ? एंडोकार्प टाइप का फल हुआ। नेक्स्ट देखिए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टाइप का फल कौन सा है? बीलपत्र। ठीक है, उसके बाद आता है पेरिकार्प प्लेसेंटा। पेरिकार्प प्लेसेंटा प्रकार के फल कौन सा है? अंगूर है। उसके बाद आता है पेरिकार्प थैलेमस प्रकार का फल। पेरिकार्प थैलेमस प्रकार का फल कौन सा है? अमरूद है। ठीक है, अभी कुछ और हैं वो देखते हैं अपन इनमें। देखिए खाने योग्य भाग के आधार पर फलों के वर्गीकरण और है कुछ, खाने योग्य भाग के आधार पर नेक्स्ट आता है ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर। तो ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर प्रकार के फल कौन कौन से होते हैं? नींबू वर्गीय फलों को ज्यूसी प्लेसेंटा हेयर प्रकार का फल बोला जाता है। और जूसी स्वीट कॉर्न टाइप के फल कौन से हैं? अनार होता है। जूसी वो फ्लेसी या एरिल प्रकार का फल कौन सा है? लीची है। थैलेमस प्रकार का फल कौन सा है? सेब या नाशपाती है। और ड्रेट्स प्रकार का फल कौन सा है? अनानास है। ठीक है, ये तो थे अपने फलों का वर्गीकरण। ठीक है, अब फलों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, अब अपन पढ़ेंगे कुछ फलों के क्षेत्रफल विवरण, कौन सा फल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है और कौन सा फल का क्षेत्रफल ज्यादा है, कौन सा फल कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे अब अपन। अब देखते हैं, अब देखिए अपन चलते हैं फलों का क्षेत्रफल विवरण। ठीक है, फलों के क्षेत्रफल विवरण में सबसे पहले आता है कि फलों का उत्पादन का क्रम, कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस फल का होता है, उसके बाद किस फल का होता है। ठीक है, तो फलों के उत्पादन के क्रम में सबसे ज्यादा देखते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अपने भारत में केले का, उसके बाद होता है आम का, उसके बाद होता है नींबू का और उसके बाद होता है बेर का। ठीक है, ये अपने भारत में फल उत्पादन का क्रम। ठीक है, सबसे ज्यादा केला होगा, उसके बाद आम होगा, फिर उसके बाद नींबू होगा, फिर उसके बाद बेर होगा। ठीक है, अगला देखिए फलों का क्षेत्रफल का क्रम, कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस फल का है और उसके बाद कौन कौन से फल है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आम का, सबसे ज्यादा आम का मतलब आम के बाग लगाए जाते हैं, आम के पेड़ लगाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आम का, उसके बाद नींबू का और उसके बाद केला का। ठीक है, शायद मैंने पिछले टेस्ट सीरीज कराई थी उसमें नींबू से पहले केला बता दिया था, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है कि नींबू का क्षेत्रफल ज्यादा होता है केला से। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है सब्जी वे सब्जियों का क्षेत्र वे क्षेत्रफल वे उत्पादन, कि कौन सी सब्जियों का क्षेत्रफल वे उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन वे क्षेत्रफल आलू का है, उससे कम प्याज का है और उससे कम टमाटर का है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्पादन आलू, उससे कम प्याज, उससे कम टमाटर। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व में सर्वाधिक फल वे सब्जियों का उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक फल वे सब्जियों का उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, चीन में। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, भारत। भारत का नंबर कौन सा आता है फल वे सब्जी उत्पादन में, सेकेंड। अब अपन कुछ और देखते हैं इनमें। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए भारत में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और राजस्थान में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जयपुर में। डैश डैश ना लगा देना, लिख लेना। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ पे होता है, जयपुर में। भारत में फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। शॉर्ट में लिखते हैं MH। ठीक है, और भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, महाराष्ट्र, MH। ठीक है, केले का सर्वाधिक उत्पादन में क्षेत्रफल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ठीक है, केले का सर्वाधिक उत्पादन में क्षेत्रफल तमिलनाडु में। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन यूपी, मटर का सर्वाधिक उत्पादन यूपी, जौ का सर्वाधिक उत्पादन यूपी, धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यूपी का। गेहूं व धान का संयुक्त रूप से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, पंजाब में। यदि गेहूं व धान दोनों का संयुक्त रूप का उत्पादन देखा जाए तो कहाँ पे होता है, पंजाब में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में, और चावल का सबसे ज्यादा या धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं अपन राजस्थान में कौन कौन से चीजें, राजस्थान में किस किस का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे होता है। आम का कहाँ होगा, अनार का कहाँ होगा, अनाज का कहाँ होगा, कपास का कहाँ होगा, ये सारे अपन देखते हैं। अब देखते हैं अपन राजस्थान के उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन के कौन सा उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए अनाज, अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गंगानगर में। किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों। ठीक है, गाजर का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़। धान का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़। मोठ, मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन हो गया भीलवाड़ा में। पपीते का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़। केला का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा। कसूरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में। सोनामुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है सोजात पाली में। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर। और आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा में। ठीक है, और देखते हैं अब, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, झालावाड़ में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, बीकानेर में। खजूर का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सीकर में। और कसूरी मेथी का नागौर में। मेहंदी का पाली में। सब्जी का जयपुर में। अनार का जालौर और जोधपुर में। मक्का का उदयपुर में। चीकू का सिरोही में। सरसों का टोंक में। और दुग्ध का जयपुर में। ठीक है, ये थे राजस्थान के कुछ उत्पादन। अब आप पढ़ेंगे राजस्थान की मंडियां, कौन सी चीज की मंडी कहाँ पे स्थित है। अब अपन देखते हैं राजस्थान की मंडियां। ठीक है, तो राजस्थान की मंडियों में देखिए सबसे पहले आती है मूंगफली की मंडी। मूंगफली की मंडी कहाँ पे स्थित है, लुणकसर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है टमाटर मंडी। टमाटर मंडी कहाँ पे स्थित है, बस्सी जयपुर में स्थित है। उसके बाद आता है टिंडा मंडी। टिंडा मंडी कहाँ पे स्थित है, शाहपुरा जयपुर में स्थित है। उसके बाद आता है बेर मंडी। बेर मंडी है चौमू जयपुर। आंवला मंडी, आंवला मंडी आती है चौमू जयपुर। ठीक है, उसके बाद आती है लहसुन मंडी। लहसुन मंडी है छिंपा बड़ौदा बारा। उसके बाद आता है धनिया मंडी। धनिया मंडी है रामगंज कोटा में। उसके बाद आता है संतरा मंडी। संतरा मंडी कहाँ पर है, भवानी झालावाड़ में। उसके बाद देखिए मंडियों में नेक्स्ट आती है अश्वगंधा मंडी। तो अश्वगंधा मंडी कहाँ पर स्थित है, अश्वगंधा मंडी स्थित है झालारापाटन झालावाड़ में।
उसके बाद देखिए गुलाब मंडी, गुलाब मंडी कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। उसके बाद आता है चेती गुलाब मंडी, चेती गुलाब मंडी आती है जमनौर राजसमंद में, ठीक है, खमनौर राजसमंद, ठीक है। उसके बाद आती है लाल मिर्च मंडी, लाल मिर्च मंडी कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में, ठीक है। तो आज यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर लगभग लगभग सारी खत्म हो गई है, कुछ एक दो टॉपिक बचे होंगे तो वो भी करवा दिए जाएंगे, नहीं जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे अपने सभी दोस्त पढ़ रहे हैं, और आपके लिए 3 नई कॉलेज खोल दी गई हैं, तो अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। जो स्टूडेंट 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से मेहनत करें, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।